नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का ई स्मार्ट रेवडे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से 323 कुल वैकेंसी दोस्तों यहां पर जारी किया गया है। ये अभी अभी नया नोटिफिकेशन यहां पर जारी हुआ है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दूंगा। अगर आपके पास सिर्फ 12वीं पास है तो आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें हम बात करें, इसमें जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहां पर दूंगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, फॉर्म इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कब से चालू हो रहा है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें यहां पर समझ में आ सके। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट जो है आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग शॉर्ट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, तो सबसे ऊपर ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकाला गया है ASI में और यहाँ पर हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल में। और जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट भी यहाँ पर बता रखा है कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। इससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ जो भर्ती है सिर्फ मेल कैंडिडेट की नहीं है, मेल फीमेल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ASI स्टेनोग्राफर में यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट है। इसी प्रकार से हम हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज यहाँ पर जनरल की 154 है, EWS की यहाँ पर 41 है, OBC की 65 है, SC की 38 है और ST की यहाँ पर 14 पोस्ट है। और टोटल जो है यहाँ पर 312 कुल पोस्ट है। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो 323 कुल पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी हम मान सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो 10% सीटें हैं एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पर रिजर्व किया गया है, ठीक है। इस वैकेंसी को यहाँ पर इंक्रीज भी किया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है जितने यहाँ पर वैकेंसी जारी किया गया है। और अभी जो है इसका जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी नहीं हुआ है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है तो उसी के रिगार्डिंग, तो इसका लास्ट डेट है जब से यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन को आएगा उसके 30 दिन के भीतर ये जो आपको फॉर्म जो है यहाँ पर ऑनलाइन ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अभी दोस्तों अभी इंतजार करना पड़ सकता है 1 से 2 हफ्ते का। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट भी करा दिया जाएगा। पे स्केल यहाँ पर बता रखा है, यानी कि ASI स्टेनो के लिए पे स्केल लेवल 4-5 के तहत यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई करें तो लेवल 4 के तहत यहाँ पर आपको पे स्केल दिया जाएगा। एज की बात करें तो 18 से 25 साल यहाँ पर उम्र सीमा होनी चाहिए। जनरल की एज तो यहाँ पर आप 18 से 25 होनी चाहिए। वहीं दोस्तों जो अपर एज वाले हैं उनको दोस्तों गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट यहाँ पर मांगा हुआ है। इंटरमीडिएट के अलावा यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 एग्जामिनेशन होना चाहिए। किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अभी जो है इसका जो फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है, तभी दोस्तों यहाँ पर समझ में आएगा कि कौन कौन से और जो है यहाँ पर भर्तियों को, यहाँ पर कैंडिडेटों को यहाँ पर जोड़ा गया है। क्या 12th पास वाले, क्या ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही यहाँ पर कन्फर्म हो सकेगा, ठीक है। तो जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट करा दिया जाएगा। और चैनल पे अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन के लिए गवर्नमेंट भर्ती के बारे में ही जानकारी दी जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।